हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुदेव क्लासेस। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। गाइस, आज हम करेंगे एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब बात करेंगे एक्सटेंशन की और कॉन्ट्रैक्शन की, यानी कि इसको हम बोलते हैं मांग का विस्तार और मांग का संकुचन। अब ये जो मांग का विस्तार है और मांग का संकुचन है, ये किसके कारण होता है? वस्तु की अपनी कीमत में चेंजेस आने से। यानी कि जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में चेंज आता है, कोई परिवर्तन आता है, उसके कारण उसकी मांगी गई मात्रा चेंज हो जाती है। मतलब अगर किसी वस्तु की कीमत कम हो गई तो उसकी मात्रा बदल जाएगी। कीमत कम होने पर लोग ज़्यादा मात्रा खरीदेंगे और कीमत ज़्यादा होने पर कम मात्रा खरीदेंगे, तो उसी को ही हम मांग का विस्तार या संकुचन कहेंगे। यानी कि आपको क्या बात ध्यान में रखनी है, वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है, तो उससे मांग का संकुचन होता है या मांग का विस्तार होता है। अब देखो, परिवर्तन हो रहा है कीमतों में, तो परिवर्तन दो तरीके से हो सकता है, या तो कीमतें बढ़ेंगी या कीमतें कम होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड यानी कि मांग का विस्तार करते हैं। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में कमी हो जाए, यानी कि वस्तु की अपनी कीमत डाउन चली जाती है, तो उससे क्या होगा, उसकी मांग अधिक की जाएगी। तो इसी को ही हम मांग का विस्तार कहेंगे। क्या याद रखेंगे, अपनी कीमत में, वस्तु की अपनी कीमत में कमी होने से जब उसकी अधिक मांग की जाएगी तो उसे मांग का विस्तार कहेंगे। इसको हम एक टेबल से समझ लेते हैं। जैसे मान लो किसी वस्तु की अपनी कीमत, यानी कि किसी वस्तु की कीमत 5 रुपए थी, तो उसकी एक ही मात्रा खरीदी जाती थी। अचानक से क्या हुआ, वस्तु की कीमत कम हो गई, यानी कि वस्तु की अपनी कीमत 5 से कम होकर 1 हो गई है, तो वस्तु की मात्रा पहले से ज्यादा, यानी कि 1 से बढ़कर हम 5 खरीदने लग गए। तो इसको देखने से क्या पता चलता है कि वस्तु की कीमत में, अपनी कीमत में कमी आने से उसका विस्तार हो गया। यानी कि वस्तु की कीमत 5 से जब 1 हुई तो उस चीज की जो मात्रा है वो बढ़कर 1 से 5 हो गई। इसी को हम बोलेंगे मांग का विस्तार यानी कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अब इसको इस चित्र की सहायता से देख लेंगे। ओ एक्स के ऊपर हमने क्वांटिटी ली है और ओ वाई के ऊपर प्राइजेस ली हैं। यहाँ पर क्या पता चल रहा है, जब प्राइस 5 था तो हम एक ही क्वांटिटी लेते थे, अचानक से अगर हमारी प्राइस कम हो जाती है तो हम उसकी 5 क्वांटिटी खरीदने लग जाते हैं। यानी कि पहले हम पॉइंट ए पर थे, अब हम कहाँ पर पहुंच गए हैं, पॉइंट बी पर पहुंच गए हैं। तो ए से बी पर आना, ये जो एरो दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है आपको, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड दिखा रहा है। उसके बाद हम चलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मांग का संकुचन। अब मांग का संकुचन मीन्स थोड़ा सा कमी आना, मांगी गई मात्रा में चेंजेस आना। अब वो कैसे आएगा चेंज, जब हमारी, देखो संकुचन कब होगा, जब हम कम खरीदेंगे। कम कब खरीदेंगे, जब कीमतें बढ़ गई होंगी। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की अपनी कीमत बढ़ जाती है, यानी कि वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि होने से जब उसकी मांगी गई मात्रा यानी कि उसकी मांग कम हो जाती है, तो इसी को ही हम मांग का संकुचन कहते हैं। यानी कि जो भी कमी आती है उसको हम संकुचन बोल देंगे। अब ये तालिका देखिए, यहाँ पर दे रखे कि उस वस्तु की कीमत 1 रुपया जब थी तो उसकी 5 मात्रा खरीदी जाती थी, लेकिन अचानक से कीमतें बढ़ गई उसी वस्तु की, है ना, 1 से 5 हो गई। तो अब उसकी, क्योंकि कीमतें बढ़ गई हैं तो उसकी मात्रा कम खरीदी जाने लगी है, तो 5 से 1 हो गई है। तो इसका क्या मतलब है कि कीमत में जब वृद्धि होती है और उसके फलस्वरूप जब मांग कम हो जाती है, तो उसी को ही हम मांग का संकुचन बोलेंगे। अब ये जो हमारा संकुचन है, इसको हमने एक चित्र की सहायता से भी दर्शाया है। यहाँ देखिए, ओ एक्स के ऊपर क्या दे रखा है, क्वांटिटी ली गई है, यूनिट्स ली गई हैं, यहाँ पर प्राइस लिए गए हैं। तो ये हमें क्या बताता है कि पहले हम बी पॉइंट पर थे, यानी कि जब प्राइस 1 थी तो हम 5 यूनिट कंज्यूम करते थे, 5 लेते थे। अचानक से प्राइजेस अप हो गई, 5 चली गई। अब प्राइस बढ़ गई है तो हम चीजें कम खरीदना शुरू कर देंगे, तो हमने 1 यूनिट ली, तो यानी कि हम पॉइंट ए पर आ गए। तो बी से पहले हम बी पर थे, अब क्योंकि कीमतें बढ़ गई हैं तो हम ए पर आ गए हैं। तो ये जो एरो का निशान है, बी से ए की तरफ मूव करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। आई होप गाइस आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।